खत्म कर दिया अपना इरादा। देखना अंदर जो है ना, जो क्या है, जो क्या है उसमें, कारीगरी है, कारीगरी है, कारीगरी नहीं, टोटल डेकोरेशन बोल रहा है आराम से। साले किसने मेरी मिरर फाड़ के ले गया है इधर से, मेरे को अभी पता चल रहा है मिरर कहाँ गया मेरा। लो आपके भैया के साथ आप ब्लॉगिंग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ अंदर। वेलकम बैक टुडे न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली बहुत दिनों कुछ काम रह गया था जिसकी वजह से कोई भी ब्लॉग नहीं किया था, और दो तीन वीडियो पेंडिंग थे लेकिन अपलोड नहीं किया हूँ। तो आज फिलहाल दशहरा है, तो मैं फिलहाल आ जाया हूँ भुवनेश्वर, और अभी मैं हूँ कहाँ पे, रुको ये देखो, ये है गजपति नगर माँ दुर्गा पूजा कमेटी जो कि भुवनेश्वर पे। तो ये फर्स्ट हमारा, क्योंकि सुबह से तो बारिश हो रहा था और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, जिसके कारण हम लोग अभी आ रहे हैं। और ये देखो तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी जाएंगे सीधा बरमुंडा या फिर दुर्गा माँ की आज पूजा हो रही है, जहाँ जहाँ पे हो रही है हम सब जगह घूमेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कटक को, तो दो ब्लॉग अलग अलग, एक भुवनेश्वर और दूसरा कटक। तो फिलहाल अभी फटाफट निकलते हैं, पहला तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड वाला चलते हैं, और कहाँ पे चलते हैं मेरे को पता नहीं। और बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये देखो पानी देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है और थोड़े थोड़े भीग भी रहे हम लोग। तो फटाफट अभी निकलते हैं, सीधा हम लोग मिलते हैं सेकंड लोकेशन पे, तो अभी फटाफट निकलते हैं चलो। 1 hour later तो अभी फिलहाल हमारा एंट्री हो चुका है बरमुंडा पे, तो हम लोग बैक साइड से एंट्री किए हैं, और ये देखो सामने रॉकी भाई, व्हाई यू वेटिंग ब्रो, रॉकी पंकज आसो ना, कोविड बाप भर रहे भैया, एकदम हैवी ड्राइवर जो कि फोटो खिंचवाने के लिए। मैं फिलहाल अंदर जा रहा हूँ। हाँ नमस्कार नमस्कार, ये है बरमुंडा का दुर्गा पूजा कमेटी। चलो जी यहाँ पे घूमना हमारा हो चुका है खत्म, अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं। भाई भाई उड़े सेल्फी, भाई बिग फैन सेल्फी, बिग फैन सेल्फी, सेल्फी अल्ट्रा प्रो मैक्स। और जैसे कि बोला था कि बारिश हो रहा था आज, और ये देखो बारिश की वजह से आज टोटल देखो कितना कीचड़ कीचड़ इधर, भयंकर वाला कीचड़ हो, और भीड़ भी कम हो चुका है, नहीं भीड़ कम हो चुका है। तो ये है कुछ बरमुंडा के गेट, चलो जी हम लोग चलते हैं यहाँ से, भीड़ बहुत ज्यादा है, और कीचड़ देखो भयंकर लेवल का कीचड़। हमारी दो लौंडे अभी फोटो खींचवाने के लिए एकदम खतरनाक लेवल का फोटोग्राफर, नहीं आ ये जोमेटो बॉय, आईफोन पकड़ा इसलिए उठा दे रहा हूँ कुछ भी। गाइस देखो ये कीचड़ देखो, देख रहे हो ये जितना कीचड़ है, और उससे ज्यादा यहाँ पर बदबू भी आ रहा है, जो कि बासी जितना भी कल का खाना वगैरह जो नीचे गिरा था उसका जो खुशबू आ रहा है ना, अलग ही लेवल का खुशबू आ रहा है। तो अभी फटाफट निकलते हैं। चलो जी हमारा बरमुंडा घूमना हो चुका है खत्म, भीड़ देखो कीचड़ देखो अलग ही लेवल का इधर है, और अभी फटाफट निकले। ओ पुष्पा जी, पुष्पा जी आ जाओ जी, आ जाओ जी प्लीज, आ जाओ जी, आ जाओ जी प्लीज, आ जाओ जी, आ जाओ जी प्लीज, आ जाओ जी प्लीज, आ जाओ। तो गाइस फिलहाल मैं अभी नए पे एंट्री कर चुका हूँ, और ये देखो ओ माय गॉड सो सेक्सी है, ओ माय गॉड। तो सीधा मिलता हूँ आप सभी को अंदर। ओके तो फिलहाल अभी गाड़ी हो चुका है पार्किंग पीछे, जो कि हाईवे पे अभी सारे गाड़ी पार्क हो रहे हैं। तो मैं फिलहाल अभी हूँ नए पेली पे, ये देखो, और पुष्पा भैया रॉकी भैया ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ये सामने गेट के पास, और मैं फिलहाल पीछे हूं, जो कि लेट आ रहा था क्योंकि मेरा स्कूटी है, तो स्कूटी धीरे धीरे आएगा, उनका बाइक है तो बाइक बहुत जल्दी जल्दी आएगा। तो अभी चलते फटाफट
पेड़ देख रहे हो अंदर, वो माइक होगा, भयंकर लेवल का पेड़ है। तो ये देखो, ये है नए पिल का गेट बना हुआ है जो कि एंट्री गेट। और ये लोग कहाँ गए मेरे को अभी तक पता नहीं, रुको फोन करता हूँ उनको। तो फाइनली ये दोनों मेरे को मिल गए, ये रहे सामने। तो फाइनली हमारा अभी एंट्री हो चुका है अंदर। ये देखो माई की आँखियाँ, वाव, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। भीड़ भी देखो, उतना जितना डेकोरेशन अच्छा है उतना भीड़ भी है इधर। पानी हो गए, पानी पानी हो गई। इधर घड़ी है, इधर ड्रेस है, ऊपर डोर विंडो साइड, ये भी ड्रेस है। अभी ड्रेस है, सारी ड्रेस है। हाँ शर्ट है, इधर भी शर्ट है, घड़ी। व्हाट अ डेकोरेशन ब्रो, भयानक वाला डिजाइन। हाँ ऊपर हाथ भी है भाई साहब। गाइस देख रहे हो भयानक बना इनका डेकोरेशन है अभी इधर। चलो जी अभी यहाँ से निकलते हैं, नया पिल्ली से आप कहाँ जाएंगे? फटाफट अभी निकलते हैं क्योंकि भीड़ देख रहे हो इधर अंदर। चेक आउट दिस गाइस, अभी मुंह बंद हो गया इसका। तो चलो जब निकलते हैं फटाफट। ये क्या ICCU भाई, डेड बॉडी, डेकोरेशन भी डेड बॉडी भी है। देखो ICCU। चलो जी ये तो डेड बॉडी ऐसा कुछ डेकोरेशन था नए पिल का। और ये कुछ छोटा सा मेला लगा हुआ है इधर, और बैक साइड भी और एक मेला भी लगा हुआ है, लेकिन ये इधर से छोटा है और उस साइड बड़ा मेला लगा हुआ है। और अभी फटाफट निकलते हैं सही नगर को क्योंकि रात के टाइम हो चुके हैं 12, और हमें भी अभी फटाफट निकलना है। कट है उसको, इधर काम खत्म कर यहाँ पे घूम के, और फटाफट अभी निकलते हैं नए पिल से। तो सीधा अभी मैं मिलता हूँ, अरे रुको रुको। तो फटाफट जाने से पहले, क्योंकि अभी बुलू भाई और तो भाई कहाँ गए किधर गए पता नहीं, आई डोंट नो। तो अभी फटाफट निकलते हैं सीधा सहीनगर को, सीधा मैं अखिल को मिलता हूँ सहीनगर। और अभी पुष्पा जी आप गाड़ी चलाओगे? मैं नहीं, गाड़ी चलाना नहीं। हाँ गाड़ी चलाओगे? अच्छा ठीक है, तुम भी आप वीडियो बनाओ, मैं गाड़ी चलाऊंगा, फोन दे दो मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं अभी निकल रहा था नया पिल्ली जो कि पूजा मंडप से निकल रहा था, और अभी हाईवे पे भीड़ देखो भाई साहब, अलग ही लेवल का जाम है इधर। और मेरे को भी अभी जाना है सीधा, क्योंकि गाड़ी पार्किंग हुआ है हाईवे के साइड पे, NH की साइड पर मेरा गाड़ी पार्क हुआ है। चलो जी मैं गाड़ी के पास पहुँच गए, और ये लोग कहाँ पर है मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं भी निकलता हूँ फटाफट। A few minutes later. तो चलो जी फाइनली मैं अभी पहुंच गया हूँ साई नगर पे। और ये देखो साई नगर पे जो डेकोरेशन है एकदम गजब वाला डेकोरेशन है। और रोड पे तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि गाड़ी चला रहा था। तो गाड़ी हो चुकी है पीछे पार्क, और ये देखो साई नगर। ओ माय गॉड व्हाट अ डेकोरेशन यार, अलग ही लेवल का डेकोरेशन है इधर। देखो डेकोरेशन देखो, गजब वाला डेकोरेशन बहुत ही मस्त बना है इधर। ये कौन से डिजाइन पे है मेरे को ठीक से पता नहीं, लेकिन जाते हैं सामने से दिखते हैं। ये देखो ये कोई मंदिर का डिजाइन है मुझे लग रहा है। और इधर कुछ दुकान वगैरह लगाए, बहुत सारे दुकान लगाए इधर। और ये लोग कहाँ गए मेरे को अभी पता नहीं। फिलहाल मुझे पूछो मिल गए, तो अभी फिलहाल हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि ब्लॉगर लाइव वीडियो तो बनाना है हमको। चलो जी पुष्पा जी, चलो जी पुष्पा जी, इधर से एंट्री नहीं उधर से एंट्री है, देख के आया था मैं। इस साइड भी एंट्री, इधर महिला लेडीज। चलो जी वाव, अब फिलहाल हम लोग अंदर जा रहे हैं। और ये देखो अंदर से कैसे दिख रहा है भाई साहब, ये टोटल किसका डिजाइन है ये?
अरे चांदी नहीं, टोटल जो डेकोरेशन हुआ है। अयोध्या, अयोध्या का डिजाइन है। और भीड़ देखो श्रीनगर पे भाई साहब, भयंकर वाला भीड़ है। और ऊपर देखो लाइटनिंग वगैरह ये सब कुछ। चलो जी अंदर जाके फोटो खिंचवाते हैं। चलो जी हमारा फोटो खिंचाना हो गया कंप्लीट, और इधर से निकलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ी भीड़ भी है ना, उसका एडजस्ट करना। हाँ नहीं भीड़ कम है, बारिश बारिश के वजह से इसलिए कम है। ऊपर से रात है, ऊपर से बारिश। हाँ वही तो, बारिश के वजह से ही भीड़ कम है, नहीं तो इधर जितना भीड़ होगा ना भयंकर वाला, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं होता। तो फिलहाल मैं आपको बताया था ये जो डेकोरेशन हुआ है ना टोटल, ये जो डेकोरेशन टोटल हुआ है कहाँ पे, श्रीनगर पे मतलब रूपल स्क्वायर पे, ये टोटल है अयोध्या का डिजाइन है। टोटल अयोध्या जैसा डिजाइन है, सेम टू सेम डिजाइन ये है। और भाई गजब लग रहा है यार, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। तो फिलहाल अभी यहाँ हमारा घूमना हो चुका है खत्म, अभी कुछ फोटो वगैरह खींचते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं। अब यहाँ से स्टेशन बाजार, स्टेशन बाजार स्टेशन बाजार फटाफट निकलते हैं यहाँ से स्टेशन बाजार, उसके बाद जाएंगे भूमिखाल, भूमिखाल से हम लोग जाएंगे रसूलगढ़, उसके बाद जाएंगे कटक, तो फटाफट सेल्फी वगैरह खींचते हैं, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। चलते अभी एक्चुअली रात का बज चुका है एक, तो अभी भी हम लोग घूम रहे हैं। अभी भुवनेश्वर का जितना भी मतलब दुर्गा पूजा मंडप है वो कवर नहीं कर चुके हैं, मतलब कर नहीं पाए। ये वाला जो ये कौन से है, ये वाला शायद विसर्जन के लिए चला गया है, ये वाला मंडप। हाँ ये वाला शायद अभी गया, तो छोड़ो। तो अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो ओल्ड स्टेशन बाजार बोलते हैं, वो भी बहुत फेमस है। वो एक्चुअली भुवनेश्वर का पुराना जाए, सबसे पुराना अगर माना जाता है भुवनेश्वर का, तो वही है। तो उधर जाते हैं घूमेंगे थोड़ा, उसके बाद दो तीन और रहेगा मंडप, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कटक। कटक तो कटक में तो आप लोगों को पता है, तो दुर्गा पूजा एक्चुअली भुवनेश्वर उड़ीसा में, कटक में ही फेमस है, क्योंकि भुवनेश्वर में थोड़ा बड़ा बड़ा पूजा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा पहचानते हैं भुवनेश्वर में, वरना कटक ही फेमस है दुर्गा पूजा के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी इधर से घूम के फिर निकल जाते हैं कटक। फिर हम लोग कटक को एक्चुअली कोलकाता के साथ हम लोग हेलमेट पहन लो भाई, रात हुआ तो क्या हुआ, सेफ्टी का मामला है। ये सही बात है, सेफ्टी पहले। चलो अभी अभी जल्दी जल्दी चलते हैं। तो अभी हम लोग आगे पहुंच के ओल्ड स्टेशन बाजार, और ये देखो एंट्री है इसका, तगड़ा एंट्री है सीरियस। और अरे आ जाओ रे जल्दी जल्दी आ जाओ। एक्चुअली रात को घूमने का फायदा है कि खाली जगह होता है, पूरा भी नहीं है, 20% खाली है, 70% तो माय गॉड। देखो गाइस क्या दिख रहा है यार अंदर से, सीरियसली कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ अंदर देखो, आप अंदर ही देखो। ओ भाई भाई आगू चला है, अरे कुत्ते ड्रग भाई, हेलमेट करो, हेलमेट भाई हेलमेट करो साहब। सस्ता भूत, ओके चलो निकलते हैं यहाँ से। एक जीट इधर से। हाँ सामने और कुछ है क्या?
मेरे को भी पता नहीं, लेकिन इतनी भीड़ बहुत है। ए विक्रम बेहतर क्या है? विक्रम बेहतर आपको पता है? वो देखो सामने के विक्रम बेहतर, मेरे को वही लग रहा है, विक्रम बेहतर ही है। ये कुछ भी नहीं है, चलो सामने सामने। अब कहाँ जाएंगे? अब बोमीकर, जारपोड़ा, जारपोड़ा के बाद हम लोग जाएंगे बोमीकर। यहाँ से प्रस्थान करेंगे, मतलब हम लोग एग्जिट करेंगे, और सामने एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, पेट पूजा विद कोक, कोका कोला का एडवर्टाइज। देख रहे हो मार्केटिंग लेवल अलग ही। और भीड़ देखो, रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। नहीं क्योंकि कटक भी जाना है ना, कटक में भीड़ ऑलरेडी है, लगेगा क्योंकि उसका टेंशन मत लो भाई। हाँ गली गली में घर है ना, बहुत ज़्यादा घर है, जहाँ पे जाएंगे रुक जाएंगे आराम से, टेंशन नहीं लेने का, वो भी कटक पे। चलो जी मैं मिलता हूँ सीधा आप सभी को गाड़ी के पास, सॉरी यूपी के पास, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा। डर गया क्या? नहीं, मुझे पिछड़े को जब आता है मुझे मेरा पर्स नहीं दिखाई दिया, फिर मुझे याद है मैं सामने रखा। चोरी होने का बहुत चांस है, बहुत चांस है इधर, बोली ना बहुत चांस है। तो अभी फिलहाल हम लोग आके पहुँच गए झारपड़ा पे, और भाई वहाँ पे इतना तगड़ा भीड़ हो गया था ना, पता नहीं आपको कैसा भीड़ हुआ था, ऐसा भयंकर वाला भीड़, इसलिए हम लोग निकल के आ गए थे। और अभी हम लोग हैं इधर, और रुको मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसा है। वहाँ से झारपड़ा का एंट्री, और ये झारपड़ा का जेल, हम लोग आए वहाँ से, उस साइड से आए, और फिलहाल ये है टोटल झारपड़ा का गेट। कैसा है गाइस? अमेजिंग ना। पुष्पा जी ये कौन से डिजाइन है? इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। शिव जी आ जाओ जी, ब्रह्मपुर बाइकर, बीबी ब्रह्मपुर बाइकर कम। मेलोडी किधर? रसूलगढ़। इधर तो मेलोडी खत्म हो चुका है, अब जाएंगे यहाँ से रसूलगढ़ भाई। नहीं नहीं भूमिकल, भूमिकल के बाद रसूलगढ़ जाएंगे। हाँ अलाउ नहीं है ना इसलिए। चलो हम लोग अभी अंदर जाएंगे और अंदर का थोड़ा फील लेंगे, और कैसा है अंदर का डिजाइन भी आप लोग को दिखाएंगे। चलो ये रहे माँ सामने, भीड़ देख रहे हो अंदर, भयानक वाला भीड़ है इधर। वाओ बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि मैं कहीं पे आ चुका हूँ, मतलब कहाँ पे? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? राजप्रसाद पे आ चुका हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो ऊपर तक भाई साहब, भोलेनाथ के शिवलिंग है, त्रिशूल है उसके साथ, गणेश भगवान जी उनका प्रतिबिंब है उसके साथ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सारे देव देवी हर कोई है इधर, और डिजाइन भी बहुत अमेजिंग है यार, बहुत गजब वाला डिजाइन है, नेक्स्ट लेवल। आराम से कोविड हो जाएगा हम लोग को, पता है सच में। चलो भाई, और आपके अभी तक क्या बजा है पता है ना? 2 बज रहे हैं, नहीं नहीं 1:43, मतलब रात के 1:30 बजे कंप्लीट हो चुके हैं, और हम लोग ऐसे पागल की तरह घूम रहे हैं। अरे 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 अरे, तो भीड़ से हम लोग अंदर से आ चुके हैं, तो अभी जाते हैं सीधा हमारी जूपी के पास, क्योंकि यहाँ से अरे ये दोनों इधर है रे। हेलो जी, इधर हो तुम लोग जी? तो चलिए अभी देर से क्या करते, टाइम हो जाएगा हम लोग थोड़ा सा उसमें। हाँ दिखा रहे थे, मतलब नहीं दिखा रहे थे एक्चुअली, पब्लिक देखना चाहती है कि पब्लिक देखने कोई नहीं देखेगा, उसके अंदर जो अंदर जो है ना, जो क्या है, जो क्या है उसमें कारीगरी है, कारीगरी है,
कारी ग्रिल है, टोटल डेकोरेशन बोल दो आराम से, कारी ग्रिल है। चलो जी अभी फटाफट निकलते हैं और हम लोग अभी हमारे गाड़ी के पास आ चुके हैं। यहाँ से जाएंगे हम लोग कहाँ पे, मोमीखाल तो मोमीखाल जाएंगे, तो हम लोग मिलते हैं आप सभी को सीधा मोमीखाल। तो अभी फिलहाल हम लोग आके पहुँच गए मोमीखाल पे, ये देखो सामने। लेकिन झारपड़ा से आने पहले मैं चीज मार्क किया मेरी जूपी पे, साले किसने मेरी मिरर उड़ के ले गया है इधर से, मेरे को अभी पता चल रहा है मिरर कहाँ गया मेरा। चोरी एकदम अल्ट्रा प्रोमैक्स चोरी, क्या करूँ कहाँ पर रखूँ गाड़ी को। झारपड़ा से निकलते निकलते ही वहाँ से मेरा गाड़ी का मिरर चोरी हो गया, और फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, फिलहाल मैं भी आया हूँ मोमीखाल के पीछे। मोमीखाल फिर हम लोग जा रहे हैं अंदर मोमीखाल, जो कि दुर्गा पूजा मंडप उसके अंदर, और यह है उसका एंट्री। वाव अंदर डेकोरेशन बहुत अच्छा है। ये किससे बनी है, बांस की लकड़ी है शायद, लकड़ी है ना। हाँ उड़ से प्लाई उड़ से बनाए ये सब कुछ। वाव टोटल डेकोरेशन देख रहे हो, ये टोटल बनाए उड़ से, मतलब लकड़ी से बनाए, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। और ये है माँ दुर्गे माँ अभी सामने, और अभी थोड़ा फोटो खिंचवा देते हैं। अभी फिलहाल हमारा मोमीखाल घूमना मंडप घूमना हो चुका है ख़त्म, और आज मेरे एल लग चुकी है क्योंकि मेरा गाड़ी का मिरर गायब। ए चोर कौन है, कौन है चोर, सस्ता नशेड़ी चोर जो कि मिरर लेके भाग रहा है। तो गाइस तो अभी फिलहाल निकलते हैं सीधा कहाँ पे, रसूलगढ़। तो सीधा हम लोग अभी चलते हैं रसूलगढ़ क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, और यहाँ से जाना है हम लोग को कटक भी, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, कहीं पे जाके ढाबे पे खाना भी खाना है हमको। और अभी फटाफट निकलते हैं सीधा रसूलगढ़ पे, आप सभी को मिलता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आके पहुँच गए एट द एंड रसूलगढ़ हम लोग आके पहुँच गए, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पता नहीं था इतना भीड़ भी होगा यहाँ पे, लेकिन भीड़ है इधर। और एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, बिमल पान मसाला, बिमल पान मसाला, दाने दाने में केसर कदम। ये देखो सामने है रसूलगढ़ पूजा कमेटी, जो कि पूजा मंडप है सामने। भीड़ भी बहुत कम हो चुका है, ये भीड़ कम हो चुका है वो भी बारिश के वजह से। और तो कैसे अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, और अंदर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। कोविड की ऐसी की तैसी नहीं, चलो अंदर चलो, बहुत हो गया जल्दी चलो मेरे फोर। तो भाई साहब और ये सब बनाए बांस से बनाए, देखो बांस से बनाए सब कुछ। फिलहाल हम लोग के अंदर, और अंदर कटी जाए भाई। तो हम लोग अंदर से घूम के आ चुके हैं, अभी फिलहाल हम लोग का एक ही मिशन है जो कि है मिर्ची के पकोड़े और कॉटलेट, क्योंकि घर को लेना है और मम्मी भी खाएंगी, इसलिए मुझे अभी ढूंढना है बहुत ज़्यादा। उस साइड सारी दुकान बंद है, और इस साइड मैं आया हूँ। पुष्प भाई और शिवा भाई कहाँ है पता नहीं, हम लोग भूलू भाई और मैं ऐसे ही घूम रहे, वो भी एक कीचड़ पे। अरे रे खत्म कर दिया अपना इरादा, यो कुछ नहीं देखो हमारे दोस्त मर आ रहे हैं। वही तो देख रहा हूँ। अरे भाई कीचड़ भयंकर कीचड़ है इधर। अरे लंका चौप मथुरा केक, लंका चौप मथुरा केक किधर है रे, लंका चौप मथुरा केक। मेरे को सब फास्ट फूड ही दिखाई दे रहे इधर, एक भी लंका चौप कॉटलेट वगैरह कुछ भी नहीं है इधर, एक दुकान खाली है जो कि खुला हुआ है। फाइनली यहाँ पे मिल जाए मेरे को, प्लीज गॉड प्लीज। ये एक ही दुकान है जहाँ पे मेरे को मिलता है कटलेट और मिर्ची के पकोड़े मिल गए,
और मम्मी के लिए भी पार्सल हो गया। और ये जो ले रहा हूँ पुष्पा भैया के लिए, वो खाएंगे बोल रहे थे तो उनको देते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं क्योंकि यहाँ सीधा जाएंगे कटक को और सामने ढाबा पे कुछ खाना है हम लोग को, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। पर ये लोग कहाँ गए मेरे को पता नहीं अभी तक। देखो ये लापता के कहाँ खो गए भाई, कीचड़ 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 भाई, मेरा हाथ जल रहा है यहाँ पे। मेरा एक पीस पकौड़ा वकड़ा लेके आते तो मैं खा लेता। ढाबे पे खाना खाएंगे भूख लगी। एक्चुअली बेसन की क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। चलो जी, भुवनेश्वर का टोटल घूमना हो चुका है हमारा ख़त्म और आज सभी को हैप्पी दशहरा एंड पे बोल रहा हूँ। तो ब्लॉग कैसा था कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपके लिए ये ब्लॉग लाया हूँ क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और जिसके कारण मैं कोई ब्लॉग इतना ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाया हूँ। और पेंडिंग पे है बहुत सारे वीडियो जो कि मैं एडिट नहीं किया हूँ, हाफ हाफ एडिट किया हूँ और अपलोड भी नहीं किया था, वो आएगा इस वीडियो के बाद आएगा। तो अभी फिलहाल प्लान हो रहा है इधर हम लोग कटक जाने वाले हैं क्योंकि रात के हो रहे 3 बज रहे हैं, 2:45 हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं एक्चुअली, हाँ 3 बज रहे हैं। तो मम्मी के लिए तो मैं जो कि मिर्ची के पकौड़े और कॉटलेट भी ले चुका हूँ और फिलहाल अभी निकलते हैं कटक, देखते क्या होता है, अगर जाते हैं तो जाते हैं, अगर नहीं जाते तो नहीं जाएंगे, मैं सीधा घर चला जाऊँगा। तो ब्लॉग के साथ कमेंट करके जरूर बताना और एंडिंग पे कुछ लोग बोलोगे क्या, एंडिंग पे कुछ बोलोगे, एंडिंग पे कुछ बोलोगे, एंडिंग पे एंडिंग पे कटक अभी जाने वाले हैं। ये कर रहा है कि बोल रहा है नहीं जाएंगे, उससे पकड़े भाई, मेरा कल ऑफिस है, मेरा मीटिंग है, इसलिए मेरे को ये तो वैसे ही आप वैसे ही तो गंजड़ी लग रहा है। गंजड़ी नहीं, नसेड़ी, सस्ता नसेड़ी। तो फिलहाल ब्लॉग के साथ कमेंट करके जरूर बताना और तो ब्लॉग के साथ कमेंट करके जरूर बताना और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना क्योंकि 536 सब्सक्राइब थे 533 हो गए, 3 सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके चले गए पता नहीं क्यों। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और जल्द से जल्द 1K करवा दो। 1K करवाने के बाद मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ गिवअवे करूँगा, मैं पहले से बोल चुका हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। तो मिलता हूँ और एक न्यू और फेस वाला ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।